भाई ये बंदा ना एक फ्रॉड कर रहा है, कोई सोने की ईंट बेच रहा है। देखो इसने वीडियो भेजी है, और अब ये देखो ये है सोने की ईंट दिखा रहा है और बार बार कर रहा है फ़ोन। अब एक बार इसका फ़ोन आ जाए और फिर पूरी पूरी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। देखो भाई ये है सोने की ईंट इसकी, देख रहे हो। कॉल करने जा रहे हैं, अब कॉल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चाचा कॉल और फिर देखते क्या सीन है। भाई ये मिला दिया नंबर, ये बबलू बबलू कुछ के नाम आ रहा था। हाँ क्या हाल दादा? हाँ ठीक है, हाल आपका बताइए। हाँ अब बताओ तुम, ये बताओ पहले बात, ये माल आया कहाँ से? ये माल को हम, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ सब कुछ खुल के बताते हैं हम। हाँ बताओ। ऐसा है, वो बंदा मेरा पड़ोसी मामा था। हाँ वो बंदा को लेके हम काम पर गई थी, जो ऐसा अरुणाचल बढ़ता है ना, जो बड़ा बड़ा पहाड़ बोलते है ना, पहाड़िया इलाका में हम लोग जो पानी पीता है, पानी पीने के लिए जो काम करता है ना, जमीन खान के। हाँ हाँ टंकी खोदता, टंकी खोदता। हाँ हाँ टंकी खदाई का। हाँ हाँ ऐसा काम करते समय में जमीन का 10 फुट अंदर में वो गुंगा वाला सामान को मिला है। अच्छा ये ईंट जो है सोने का उसके अंदर मिला है? उसका अंदर में, जमीन का अंदर में मिला है। ओहो हो 10 फुट अंदर में, जो मैंने पानी टैंकी का जो गद्दा खुदाई करते समय में। हाँ 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 गद्दा खुदाई करते समय में 10 फुट का अंदर में मिला है। अच्छा अच्छा, तो बाद में वो गुंगा मिला है, गुंगा सामान को मिल के ना। हाँ हाँ जो तुम्हारा मामा है वो गुंगा है? हाँ गुंगा है, बात बोलने नहीं जानता है। अच्छा उसी को मिल गया ये सोना? हाँ इसी को मिला है। अच्छा मिलने के बाद डायरेक्ट वो छुपा के लेके आ गया है घर, हमको भी बताया नहीं है। हाँ। वो छुपा के लेके आ गया। आने के बाद तो मेरा नानी जी है ना। हाँ हाँ। तो नानी जी को बताया। अच्छा तो नानी जी हमारा साथ में बोल दिया। अच्छा थोड़ा जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी 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 बताओ थोड़ा सा। तो नानी जी बोला है ना, तो बाबुल तुम तो बहुत दूर दूर जगह में काम किया है, तो तुम घर आओ, बात बोलेगा पहले सुनो। बाद में हमको घर आया है, बाद में सामान को दिखाया है। अच्छा अच्छा दिखाने के बाद हम बाद में बोलाया नानी जी को, नानी जी तो सामान तो मिला है सो ही है। हाँ। तो हमको पहली थोड़ा सा सामान काट के दो। हाँ। हम पहली परीक्षा करके देख लेगा। हाँ। सुनार का घर में लेके गया परीक्षा लगाने के लिए, तो सुनार बोला है सामान सो ही है। हाँ। जो लेके गया था हम सुनार का पास ना। हाँ। वो हमको तो तुम मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम सुनार को ही भेज दो ना फिर इसको, सुनार नहीं ले रहा। थोड़ा सा हम परीक्षा लगाने के लिए लेके गया था। हाँ, हाँ। तो नानी जी डर गया है। हाँ। सामान को एक साथ में बिक्री करेगा। हाँ। पूरा सामान को ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बिक्री नहीं करेगा। हाँ, हाँ। तो अगर पूरा सामान को लेके जाएगा सुनार का घर में, अगर वो लोग गरीब आदमी है। अच्छा मेरा नंबर कहाँ से, मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपका नंबर तो बड़ा भैया जो हम लोग उधर में काम कर रहा था ना। हाँ, हाँ। तो काम करते समय में आप दिया था हमको। अच्छा उनको दिया था बड़ा भैया। अच्छा अच्छा तो हम आपका नंबर सेव करके रख दिया था बड़ा भैया। देखिए ये बात को हम दूसरा किसी आदमी को बोला नहीं है। अच्छा अच्छा चलो कितना पैसा मांग रहे हो बताओ। हम ये बोल रहा था बड़ा भैया पहले आके ना, पहले आके आप सामान को देख लीजिए। अच्छा अच्छा देखने के बाद आप थोड़ा सा काट के लेके जाइए। नहीं तो फिर मैं तो यार नौकरी करता हूँ, मैं कैसे छोड़ जाऊंगा ऑफिस, तुम आ जाओ ना लेके। लेकिन बड़ा भैया ऐसा है गुंगा जो है ना। हाँ। वो हाथ से मालिक दिखाते है बड़ा भैया, वो बिना मालिक से सामान को नहीं देगा। अच्छा तो एक साथ में काम कर रहा था, हमको बताया नहीं है सामान को तो लेके। थोड़ा तुम काट के तुम ले आओ ना, थोड़ा काट के ले आओ ना तुम। नहीं नहीं वो ऐसा है बिना मालिक से सामान को काटने नहीं देगा है। हाँ। वो आप आने से आपका सामने में काटने देगा, आप काट के लेके जाना है, ले जाके आप परीक्षा लगाना। तो कैसे कैसे कहाँ पे आना होगा, कैसे आना होगा? जो बड़ा भैया पहले आप आसाम, आसाम है ना भैया? आसाम आसाम। हाँ गुवाहाटी में आना है। अच्छा आप गुवाहाटी से 3 घंटा का रास्ता है। ठीक है आप गुवाहाटी आना है, गुवाहाटी से तो आपका डायरेक्ट ट्रेन भी आता है, सुपर भी आता है। हाँ। सब कुछ आता है ना। देखो भाई ये ऐसे ऐसे बेवकूफ रखना, हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ। ये बेवकूफ बना रहे भाई फ्रॉड है सारे के सारे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपको बाद में सामान को दिखाएगा। अच्छा
ठीक है ना। पहली देखिए बड़ा भैया, पहली बिल्कुल एक रुपया भी देना नहीं है। आप नहीं, फिर भी कीमत तो बताओ ना, पैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, कीमत तो बताओ। ऐसा है, आप थोड़ा सा काट के लेके जाइए, उसका परीक्षा लगाने से तो आप पता हो जाएगा उसका कीमत कितना होगा ना। भाइयों ये देख लो, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सावधान रहा करो, ये ईंट खरीदने के चक्कर में मत पड़ा करो, ये साले ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, ये भैंस सूर के बच्चे हैं, साले गंदे लोग हैं ये, है ना। हाँ ऐसा है, आप परीक्षा लगाने के लिए थोड़ा सा लेके जाइए काट के। अच्छा, परीक्षा लगाने के बाद क्या रेट है आप पता हो जाएगा ना। हाँ बाद में आप बोलना है इतना गुंगा तेरी को इतना देंगे सामान। चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा, है ना। देखिए बड़ा भैया, बिल्कुल ये बात को भैया सावधान रहो, सब लोग सावधान रहो, ये देखो ऐसे लोग हैं, ये फ्रॉड करते हैं, इनसे सावधान रहा करो, सोने का चक्कर मत पड़ा करो भाइयों, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। ये देख लो मेरे पास कॉल आ रहा है कम से कम 10 दिन से, तो आज मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ इसको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फोन करता हूँ 5 मिनट में, कस्टमर आ गया, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक ठीक।